एक लुटेरे ने उसका अपहरण कर लिया और फिर उसके साथ लगातार मारपीट की। हालांकि वो बहुत डरी हुई थी, फिर भी वो डरी नहीं क्योंकि वो जानती थी कि प्रतिरोध का परिणाम केवल मृत्यु ही होगा। उसे यहाँ से जीवित निकलना है। चूंकि उसकी आंखों पर हर समय पट्टी बंधी रहती थी, इसलिए वो डाकू को नहीं देख सकी, लेकिन रॉबर्ट के चेहरे को छूकर उसे उसका हुलिया मालूम हो गया। यहाँ तक कि उसने बाथरूम में अपनी उंगलियों के निशान भी छोड़े। उसने चुपके से अपने बाल फर्श पर फेंक दिए। उसने जो कुछ भी किया वो भविष्य में यहाँ से भागने के बाद रॉबर्ट को पकड़वाने के लिए किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह लुटेरा एक संगीन हत्यारा है। अब तक जितनी भी लड़कियों को उसने अपहरण किया उनका पता आज तक नहीं लग पाया है। क्या वो जीवित रह सकती है? लड़की का नाम लिसा है। उस दिन काम से जाते समय उसकी मुलाकात एक संदिग्ध वाहन से हुई जो वहाँ घूम रहा था। लिसा ने इसकी परवाह नहीं की और सोचा कि यह महज एक सहयोग था, लेकिन आखिर में हादसा फिर भी हुआ। उस आदमी ने लिसा को बंदूक दिखाकर धमकाया, आवाज न करने की धमकी दी और फिर उसे कार में ले आया। उसका चेहरा खिड़की की ओर होने के कारण वो उसे नहीं देख सकती थी और काम पूरा होने के बाद वो उसे जाने दे सकता था। रॉबर्ट ने बेचारी लिसा के साथ जोर जबरदस्ती की, ये सब करने के बाद वो उसे छोड़ सकता था, लेकिन उस आदमी का इरादा उसे जाने देने का नहीं था। उसने लिसा की आंखें बंद कर दी और उसे सीट पर बांध दिया। जहां वो लिसा को ले जा रहा था वो जगह लिसा के लिए नरक बनने वाली है। रास्ते में लिसा ने कभी कोई आवाज नहीं की, हालांकि वो बहुत डरी हुई थी, फिर भी उसने शांति से पट्टी के नीचे से कार की सभी चीजों को देखा। गुजरता हुआ इलाका उसके दिमाग में दर्ज हो गया। भले ही उसे ऊपर खींच लिया जाए, लेकिन वो सीढ़ियों के कालीन का रंग नहीं भूल सकती है। उस व्यक्ति के घर पर लिसा को उस व्यक्ति ने आदेश दिया कि वह अपने कपड़े उतार दे, फिर उसे नहाने के लिए बाथरूम में ले जाने के लिए मजबूर किया। भले ही आप अपनी आंखों की पट्टियां हटा दे, लेकिन आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। लिसा ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि इस समय प्रतिरोध व्यर्थ है। इससे केवल लड़ाई होगी या मृत्यु भी हो सकती है। वो केवल पुरुष के किसी भी अनुरोध का पालन कर सकती थी। दोबारा जोर जबरदस्ती करने के बाद आदमी ने लिसा को बिस्तर पर लिटा दिया। जब उसने उसका नाम पूछा तो उसने न केवल नाम बताया बल्कि उस आदमी से नाम भी पूछा। उस आदमी ने उसकी उम्र पूछी। लिसा ने उससे झूठ बोला कि वो 20 साल की है, दरअसल वो महज 17 साल की थी। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लिसा जानती थी कि एक बार रॉबर्ट को पता चल गया कि वो कम उम्र की है तो वो उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि यह एक गंभीर अपराध था। शख्स का मूड स्थिर करने के लिए लिसा ने कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो एक खूबसूरत आदमी लगता है। फिर प्यार का इजहार करने के लिए आदमी के चेहरे को छूने लगी। वास्तव में उसके चेहरे की विशेषताओं को समझना हाथों के माध्यम से होता है। ये सुनकर उस आदमी ने उसे कुछ नहीं किया। मैंने बहुत से लोगों का अपहरण किया है, इतनी स्थिर मनोदशा मैंने कभी नहीं देखी। उसने लिसा के न केवल हाथ खोले बल्कि उसे एक सैंडविच भी दिया। इसी दौरान लिसा ने बाथरूम जाने का प्रस्ताव रखा। बाथरूम में आने के बाद लिसा ने उस आदमी को बाहर जाने के लिए कहा। चूंकि कोई उसे देख रहा था इसलिए वो पेशाब नहीं कर सकी। पिछली तसल्ली के बाद उस आदमी ने भी अपनी सतर्कता ढीली कर दी और बाथरूम से बाहर चला गया। उस आदमी के दरवाजा बंद करने के बाद लिसा ने तुरंत अपनी आंखों पर बंदी पट्टी हटा दी और चुपके से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आईने में खुद को देखा, फिर उसने आईने पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़े और बाथरूम में सबूत छोड़े जो भविष्य में मामले को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तभी उसे आदमी के एक जोड़ी जूते मिले। इधर आदमी ने भी बाथरूम का दरवाजा बंद पाया, जिसके बाद वो तुरंत बंदूक लेने चला गया।